हेलो फ्रेंड्स, मैं शकील चखान, वेलकम टू आवर चैनल आयशा कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का प्रॉब्लम इस टाइप में, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू लॉग टू दी बेस 10 एक्स प्लस 3 रेज टू एक्स। तो स्टार्ट करते हैं। वाई इज इक्वल टू लॉग टू दी बेस 10 एक्स प्लस 3 रेज टू एक्स। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लॉग टू दी बेस 10 एक्स है, तो डायरेक्टली इसका हम डेरिवेटिव निकाल नहीं सकते। हम यूजिंग चेंज ऑफ बेस ऑफ रूल का इस्तेमाल करके हम लॉग टू द बेस 10 है इसको अलग कर सकते हैं एक्स के साथ। तो देखते हैं कैसा करना है इसे। यूजिंग चेंज ऑफ बेस रूल कॉमा वी गेट लॉग टू द बेस 10 एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो इस टाइप का होता है, लॉग ई एक्स अपॉन लॉग E10। हमने सेपरेट कर दिया इसे, इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ बेस रूल। ओके, तो ये इस टाइप में हो जाएगा, लॉग ई एक्स अपॉन लॉग ऑफ E10 प्लस 3 रेज टू एक्स। नाउ नेक्स्ट स्टेप रहेगा, हमें इसे निकालना है डेरिवेटिव। सो आई कैन राइट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इससे ये कॉन्स्टेंट है, ये डेरिवेटिव के बाहर आएगा, 1 बाय लॉग 10 डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 3 रेज टू एक्स। तो फ्रेंड जैसे देख सकते हैं आप, यहाँ पर लॉग एक्स है, इसका होता है डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, तो ये एज इट इज आएगा 1 अपॉन लॉग 10 1 अपॉन एक्स, और 3 रेज टू एक्स का होता है डेरिवेटिव ए रेस टू, यहाँ पे 3 है, सो 3 रेस टू एक्स लॉग ऑफ 3, सो 3 रेस टू एक्स लॉग ऑफ 3। तो फाइनल आंसर इस टाइप में आएगा, 1 अपॉन एक्स लॉग 10 प्लस 3 रेस टू एक्स लॉग ऑफ 3 फाइनल आंसर है। तो ऐसे इस टाइप में सॉल्व करना है। सो आई होप फ्रेंड्स यू लाइक दिस वीडियो, एंड गाइज प्लीज कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा आपको, और हो सके तो शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। सब्सक्राइब कीजिए आयशा कोचिंग क्लासेस चैनल को और बेल आइकन दबाइए।